हे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से ऐसे जामिया में कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज के करने के बाद आप फिल्म या टेलीविजन में अपना करियर बना सकते हैं, फिल्म और टेलीविजन में आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी जो कि आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ पूरा देखना होगा इस वीडियो को, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप टीवी में फिल्म में अपना करियर बना सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, अपनी जीवन यापन कर सकते हैं और फिल्म और टीवी के दुनिया में आप धूम मचा सकते हैं। दोस्तों, फिल्म और क्रिकेट दो ही ऐसा जगत है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा फेम है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। किस फील्ड में? फिल्म और टेलीविजन के अलावा क्रिकेट में भी, यानी क्रिकेट में भी और फिल्म में। तो दोस्तों, फिल्म जो है वो क्रिकेट से भी ज़्यादा है, यानी फिल्म जैसे शाहरुख खान जी है, अक्षय कुमार जी है, अमिताभ बच्चन जी हैं, तो ये लोग क्या है कि बॉलीवुड के स्टार है, वो क्रिकेट से भी बहुत अमीर हैं। तो वही मैं आपको अमीर बनाने की कोशिश करूंगा कि आप कौन से ऐसे कोर्स करें जामिया मिले इस्लामिया, कौन कौन कोर्सेज हैं जो आपके लिए हैं, चाहे आप 12वीं किए हों चाहे आप ग्रेजुएशन किए हों। दोस्तों, मैं एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूँ, एक एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफ में कि जामिया का जो मास कम्युनिकेशन और रिसर्च सेंटर है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया में। क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ल्ड के पुराने पुराने फिल्मकार जो कि दुनिया में बहुत फेमस हुए हैं, जेम्स बेवरिज, जॉन ग्रीसन, इन्होंने जामिया में आके पढ़ाया है, ये जामिया में आके फिल्म का कोर्स का सेटअप किया है, यानी इन्हीं दोनों लोगों का ज्ञान है, इन्हीं दोनों लोगों का इल्म है, इन्हीं दोनों लोगों का मेहनत है जिससे जामिया में MCERC नंबर वन पे है। नाम क्या है? जेम्स बेवरिज है, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। जॉन ग्रीसन है, जो कि नेशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा के फाउंडर हैं, जिन्होंने कनाडा में फिल्म बोर्ड बनाया। कौन? जॉन ग्रीसन। ये दोनों लोगों का सबसे बड़ा हाथ है जामिया में फिल्म और टेलीविजन का पढ़ाई का शुरुआत करने में और वर्ल्ड के नंबर वन इंस्टीट्यूट बनाने में। तो दोस्तों, एक ब्रीफ में देख लीजिए, जामिया का जो एसोसिएशन है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से है, यानी जापान से भी कोलैबोरेशन है। किसका? जामिया से। इसके अलावा यॉर्क यूनिवर्सिटी है जो कनाडा में है, टोरंटो कनाडा में, टोरंटो जगह है, कनाडा देश का नाम है, इसमें है यॉर्क यूनिवर्सिटी, इससे कोलैबोरेशन है जामिया का फिल्म और टेलीविजन कोर्स के लिए। फिल्म टेलीविजन कोर्स के लिए भी एक और यूनिवर्सिटी है जो कि लंदन में है, यूके में है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट मिंस्टर, जिससे कोलैबोरेशन है जामिया मिलिया इस्लामिया का। सॉरी, इसके अलावा साइंस पो पेरिस में है, यानी फ्रांस में है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, इसका भी एसोसिएशन है जामिया से। और अपने देश में जो UGC है, जो यूनिवर्सिटी का मालिक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका भी एसोसिएशन है जामिया का। जितने भी आप CEC पे वीडियो देखते हैं तो जामिया का सपोर्ट होता है, जामिया ये सारे वीडियोस को बनाती है जिससे फ्री ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाता है, चाहे आप UGC के वेबसाइट पे देखेंगे, चाहे IIT के वेबसाइट पे देखेंगे या NPTEL के वेबसाइट पे देखेंगे। तो जो भी अपने देश में वीडियोस फ्री मिल रहे हैं, कोचिंग के लिए फ्री मिल रहे हैं, पढ़ाई के लिए फ्री मिल रहे हैं, किसी भी ज्ञान के लिए, तो जामिया का कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो विदेश का भी कोलैबोरेशन है और जामिया के भी कोलैबोरेशन है, इसलिए जामिया का जो फिल्म और टेलीविजन वाला जो कोर्स है वो देश में नंबर वन है। यहाँ से शाहरुख खान, मौनी रॉय NDTV पे आती हैं, बरखा दत्त जी आती हैं, इसके अलावा कबीर खान जो कि बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर हैं, और लवलीन टंडल जी हैं स्लम डॉग मिलेनियर के, उसके बाद है गणेश आचार्य जी, बहुत ज़्यादा फिल्म मेकर्स हैं जो कि जामिया से फिल्म और टेलीविज़न का कोर्स किए हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके लिए। सबसे पहले जो बेस्ट कोर्सेज हैं, मैं ये ग्रेजुएशन के बाद बता रहा हूँ, इसके बाद लास्ट में बताऊँगा कि 12वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, तो 12वीं वाले अभी इंतज़ार कीजिए। MA मास कम्युनिकेशन है जो कि 2 साल का कोर्स है, 50 सीटें हैं और इसका पहले साल का फीस है 77,110, दूसरे साल का फीस है 64,710। ये बहुत ही कम फीस है एक साल का, जो कि 77,000 है। बाकी आप अगर MIT से करते हैं आप, या आप गलगोटिया से करते हैं,
या आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से करते हैं या आप करते हैं बिट्स पिलानी से, तो वहाँ का जो फीस है वो 2.5 लाख 3 लाख एक साल का फीस है मास कम्युनिकेशन का। लेकिन जामिया का नंबर वन होते हुए भी 77,000 ही फीस है। दूसरा कोर्स है एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मास कम्युनिकेशन, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। तीनों में, तीनों मास कम्युनिकेशन टाइप के कोर्सेज है लेकिन फिर भी अंतर है। तो एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, इसमें 20 सीटें हैं। पहले साल का फीस है 86,320, दूसरे साल का फीस है 73,920। एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स है, ये 4 सेमेस्टर के यानी 2 साल का कोर्स है, 20 सीटें हैं और पहले साल का फीस है 70,320 और दूसरे साल का फीस है 57,920। एमए विजुअल इफेक्ट एंड एनिमेशन, आजकल देख रहे हैं बाहुबली फिल्म देख रहे हैं, जीरो फिल्म देख रहे हैं, शाहरुख खान बौना नहीं फिर भी बौना बन जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? विजुअल इफेक्ट और एनिमेशन, यानी अगर आप एनिमेशन बनाते हैं तो आप एनिमेशन से आजकल बाहुबली एक दायरे में रह के कितना अच्छी फिल्म बनी है, और बहुत सारे आजकल फिल्म जैसे क्रिश 3 हो गया, क्रिश 2 हो गया, ये सारे कौन सा है? विजुअल इफेक्ट्स वाले हैं। तो विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया में और 20 सीटें हैं। पहले साल का फीस है 84,620, दूसरे साल का फीस है 76,220। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जो कि आपको एक एक साल का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, एक साल का कोर्स है यानी 2 सेमेस्टर का कोर्स है, 20 सीटें हैं, 74,320 एक साल का फीस है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टील फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन है, ये भी एक साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर का कोर्स है, 20 सीटें हैं, 74,320 फीस है। पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग, एक्टिंग का बादशाह बनिए, और ये एक साल का कोर्स है, 20 सीटें हैं, 60,820 है, एक्टिंग का कोर्स है, आप एक्टर बन जाएंगे। और अगर आप फिल्मों में मौका नहीं मिला तो टीवी है, आजकल नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, यूट्यूब तो खुला हुआ है, जब भी चाहे आप चैनल बनाइए, खुद एक्टिंग शुरू कर दीजिए ये कोर्स करके, तो नौकरी तो आपका गारंटी ही है। नेक्स्ट कोर्सेस है, देख लीजिए, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, हिंदी मीडियम जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आजकल ईमानदार जर्नलिस्ट की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आजकल तो पैसे लेके मीडिया वाले एक पार्टी के किसी खास पार्टी को तारीफ करते हैं, लेकिन आपको ईमानदार जर्नलिस्ट बनना है जो पार्टी के हक में नहीं बात करना, जनता के हक में बात करना है। तो पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है, हिंदी मीडियम में एक साल का कोर्स है, 40 सीटें हैं, 20,810 फीस है, बहुत कम फीस है। नेक्स्ट कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, बहुत अच्छा कोर्स है, पिछले साल इसका प्लेसमेंट धुआंधार हुआ है, धमाकेदार प्लेसमेंट हुआ है, पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म हिंदी मीडियम, एक साल का कोर्स है, 40 सीटें हैं, 43,840 फीस है। बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी, ये है 12वीं के बाद, अभी आपको और डिटेल मैं बताऊंगा, 6 सेमेस्टर का कोर्स है यानी 3 साल का कोर्स है, 12वीं के बाद, 40 सीटें हैं, एक साल का फीस है सिर्फ 7,200। पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया, उर्दू मास मीडिया का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे न्यूज़ उर्दू में बतानी पड़ती है, बहुत सारे न्यूज़ उर्दू में होती है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बतानी होती है, इंग्लिश में बतानी होती है, इसलिए पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया एक साल का कोर्स है, 30 सीटें हैं, 7,200 ही फीस है। 12वीं के बाद है बीए ऑनर्स मास मीडिया। अब और मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको 12वीं के बेसिस पे बता दे रहा हूँ, बीए ऑनर्स मास मीडिया है, इसका जो एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी है आपका 12वीं बेसिस पे ये कोर्स है, और आप जस्ट पास हैं 55% से तो भी आप एलिजिबल हैं, 45% से भी पास है तो भी आप एलिजिबल हैं बीए ऑनर्स मास मीडिया में। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है 12 जून को, बहुत टाइम है प्रिपरेशन करने का, आपका जो रिजल्ट आने का जो उम्मीद है वो 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में। पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का, इसमें ग्रेजुएट वाले अगर उर्दू पर्शियन अरबिक से पढ़े हुए हैं 55% मास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 19 अप्रैल को इसका टेस्ट है और रिजल्ट आ जाएगा 28 अप्रैल से लेकर 6 जून के बीच में। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हिंदी मीडियम, इसमें बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कोई सा भी हो 45% मार्क्स चाहिए, आप
पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। चाहे आप बीटेक हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीसीए किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बैचलर लगा होना चाहिए आपके डिग्री में, 45% मार्क्स है, तो आप पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हिंदी मीडियम कर सकते हैं। 19 अप्रैल को टेस्ट है और आपका रिजल्ट 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में आ जाएगा। पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म हिंदी मीडियम, इसका प्लेसमेंट पिछले साल धड़ल्ले से हुआ है, बहुत धमाकेदार हुआ है। बैचलर डिग्री वाले जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, 45% मार्क्स चाहिए। टेस्ट होगा 6 जून को, बहुत टाइम है, 16 जून से लेकर 24 जून के बीच में रिजल्ट आने की उम्मीद है। एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। आपका जो टेस्ट होगा 4 को टेस्ट होगा, 25 को फिर आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 3 जुलाई को, उसके बाद 10 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, यानी इंटरव्यू भी होगा कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में। उसके बाद देख लीजिए एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, इसमें भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट डेट है 10 जून को और आप उसी हिसाब से आप देख लीजिए, आपका 3 जुलाई के आसपास रखा गया है कि 3 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, मतलब 3 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू का डेट है, ये है इंटरव्यू का डेट है, ये है आपका रिजल्ट का डेट और फाइनल रिजल्ट 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में आएगा। एमए विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस, ये टेस्ट डेट है 11 जून को और 30 जून को इंटरव्यू के लिए लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और 9 जुलाई से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और फाइनल इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आएगा 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में। एमए विजुअल इफेक्ट्स के लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छा है, नहीं है तो भी काम चल जाता है, वैसे आपका टेस्ट और इंटरव्यू का मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन रखता है। पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट है, इसमें जो ग्रेजुएशन वाले हैं और ग्रेजुएशन में उनके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, बीसीए और इंजीनियरिंग है ग्रेजुएशन में, तो पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। टेस्ट का डेट है 9 जून को, उसके बाद आपका लिस्ट आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा 20 जून को और 23 जून से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है फाइनल 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में। पीजी डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन, 19 अप्रैल को आपका टेस्ट होना है, उसके बाद टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट इस डेट को आएगा और इंटरव्यू आपको इस डेट से शुरू हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट 16 मई से लेकर 12 मई के बीच में आएगा। पीजी डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन के लिए आप ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में है, 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। इसमें आपका जो टेस्ट डेट है वो 25 अप्रैल को है और आपका टेंटेटिव लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा 5 मई को, उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा 8 मई से, फिर आपका इंटरव्यू के होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 16 मई से लेकर 22 मई के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी टीवी और फिल्म से रिलेटेड जितने भी जामिया मिलिया इस्लामिया में कोर्सेज है वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है, इसमें प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। आजकल तो यूट्यूब चैनल बना हुआ है कि आपको कहीं नौकरी किसी को नहीं लगता है तो खुद का चैनल बना के पैसे कमा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। वरना आजकल टीवी और मीडिया में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, आजकल तो पार्टी के लिए लोग मीडिया लड़ रहे हैं, बहुत पैसा है, मीडिया का बहुत अहमियत हो गया है, अच्छे मीडिया के बहुत अहमियत हो गया, अच्छे मीडिया बहुत कम हो गए हैं, इसलिए मीडिया का जो डिमांड है वो बढ़ गया है। आजकल मीडिया से ही सरकार बनाए जाते हैं, इसलिए मीडिया का रोल अहम हो गया है और जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन से करेंगे तो दिल्ली का एक्सपोजर मिलेगा और वर्ल्ड के जो बेस्ट जेम्स बेवरेज है, जॉन ग्रीसन है, इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन किया है जामिया मिलिया इस्लामिया का, वो वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है, क्योंकि कनाडा से, यूके से, फ्रांस से, जापान से सब ने मिलकर जामिया का मीडिया कोर्सेज है, जामिया का टीवी फिल्म एक्टिंग वाले कोर्सेज है, इसको बनाया है, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट इस पे काम किया है जामिया के मास कम्युनिकेशन और रिसर्च सेंटर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जामिया में एडमिशन लेंगे, चाहे 12वीं किए हों, चाहे आप ग्रेजुएशन किए हों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं मास मीडिया में और अपना करियर फिल्म और टेलीविजन में बना सकते हैं।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।